नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर मौसम के अनुसार अब राजनीतिक पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। भारतीय जनता के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उपचुनाव को देखते हुए जिले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गुरुवार को जनपद में पहुंचे दिनेश लाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव के समय ही कहा था कि सिर्फ अखिलेश कहते थे आजमगढ़ और इटावा मेरा घर है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी आजमगढ़ को छोड़ सकते हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए आजमगढ़ को छोड़कर चले गए। दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश सांसद रहकर भी कुछ नहीं करते थे, इसलिए उनके छोड़ने से भी जिले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिनेश लाल यादव ने कहा कि वे लगातार आजमगढ़ के दौरे पर हैं, यहाँ की जन समस्याओं से जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को अवगत कराते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर उन्हें उपचुनाव में मैदान में उतारा तो चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, आजम खान पर हुई कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा चुप्पी साधने पर दिनेश लाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वह अखिलेश को जितना जानते हैं उसके आधार पर वह कह सकते हैं कि अखिलेश यादव खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। वह चाहे उनके पिता मुलायम सिंह यादव हो या चाचा शिवपाल यादव या यादव बिरादरी या फिर देश के हो। दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव एक बार पिता मुलायम और चाचा शिवपाल की वजह से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में मुख्यमंत्री पद उतरा नहीं है और वह उसी तेवर में रहते हैं। चाहे आजम खान हो, शिवपाल यादव हो या फिर आजमगढ़ की जनता, अगर वह यह सोचते हैं कि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं तो अखिलेश यादव उनके साथ नहीं खड़े हैं। दिनेश लाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का बंटवारा करने वाले, जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाले अखिलेश अपनी पार्टी और अपने घर परिवार पर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन्ना ऐसे थे तो पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का ही बंटवारा कर दिया था। ऐसी विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार और देश का क्या भला करेगा, यह सोचने वाली बात है। शिवपाल यादव के भाजपा में जाने के सवाल पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, अगर कोई हमारी पार्टी की विचारधारा पर चलकर आ रहा है तो उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि हम एक अभिनेता या नेता नहीं बल्कि हम अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो ये बात तो मैंने पहले ही कहा था, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ही मैं कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, जहाँ उनका निजी स्वार्थ होगा, तो वो आजमगढ़ को छोड़ देंगे। और वही हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। खैर, वो रह के भी कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनके रहने छोड़ने से कोई अंतर पड़ा नहीं, क्यों जब वो थे उस दौरान भी आजमगढ़ में जितने भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग चिन्हित करते थे और वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते थे। अब जब वो छोड़ के चले जा चुके हैं, उसके बाद भी महाराज जी का आदेश हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो है एक बार वहाँ जाइए, जाकर के देखिए क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। और चूंकि हमारे डीएम साहब भी चेंज हुए हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो हम लोगों ने उनको दिया था करने के लिए। देवारा में पुलिस चौकी करना था, फिर इन्हीं का एक पुल बनाना था, देवारा का पुल का बहुत टाइम से चल ही रहा है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया जो फिर से हमको इनको भी देना है और फिर मुख्यमंत्री जी को भी सौंपना है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आजमगढ़ के दौरे पे हैं और वो सारे कार्य को चिन्हित करके और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है। आपका नाम आ रहा है? नाम आ रहा है, और मैं जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ जी। अच्छा, आजम खान के मामले में जिस तरीके से अखिलेश चुप्पी साधे, देखिए अखिलेश यादव जी की जहाँ तक बात करेंगे, उनको मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। चाहे वो उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनकी बिरादरी हो, चाहे उनका प्रदेश हो, चाहे उनका देश हो। एक बार गलती से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए थे माननीय नेताजी की वजह से और शिवपाल जी की वजह से, और तब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं,
उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हो, जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे, तो वो नहीं रहेंगे। अच्छा, लगातार चाचा शिवपाल को जिस तरीके से इज्जत किया जा रहा है, हाँ, क्या लगता है? और भाजपा में जो आ रहा मामला आने को देखिए क्या है, ये सारी जो बातें होती है ना, वो विचारधारा की होती है। हम लोग जब राम मंदिर बात करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर का निर्माण शुरू भी हो गया, तो हम क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि हम राम की विचारधारा वाले लोग हैं। राम को कल बनना है सबसे बड़े राज्य का राजा, और एक दिन पहले उनके पिता कहते हैं कि आप जंगल चले जाओ, और वो खुशी खुशी चले जाते हैं। माँ पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, तो बोले पिताजी ने हमको जंगल का राजा बना दिया। ये हमारी विचारधारा, हम इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के बारे में जब आप पूछते हैं, तो आप लोगों ने उनके बयान सुने होंगे कि वो हमारे क्रांतिकारियों की तुलना, हमारे देशभक्तों की तुलना वो जिन्ना से करते हैं। जिन्ना कौन है? जिन्ना वो व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का ही बंटवारा कर दिया, देश को ही दो भाग में बांट दिया। ऐसे व्यक्ति के विचारधारा पे चलने वाला आदमी अपनी पार्टी, अपने घर परिवार में क्या करेगा? ये आप लोग क्यों इसको नहीं समझ पाते हैं? हम अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रख के काम करते हैं। कि हमें जो भी कार्य मिले, हम वो इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि इसमें हमारे राष्ट्र का भला है कि नहीं। तो अगर इस विचारधारा को फॉलो करके, इस विचारधारा से सहमत होके कोई व्यक्ति भी चाहता है कि वो हमारी पार्टी में आए, तो स्वागत है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।